हनुमान जी, यस हनुमान जी हैं इनके कॉन्फिडेंस के पीछे। 99.986 कितने होते हैं, मतलब 100 ही होते हैं एक तरीके से। निखिल अग्रवाल जेईई के अंदर परसेंटाइल है इनकी 99.986। बेटा पहली बात तो बधाई हो, और उसके बाद में सबसे पहले ये बताओ, आप रियल हो या वर्चुअल हो? सर टोटली रियल ही है। टोटली रियल है सीकर के अंदर 99.986, वो भी रियलिटी, मैंने छू के बिल्कुल कंफर्म कर लिया है। तो निखिल आप कहाँ से आते हो थोड़ा सा बताओ, और एक दो चीज़ ये भी बताना कि मतलब कितना पढ़ते हो आप? सर मैं चिंचरौली खेत झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। सर अभी नॉर्मल रेगुलर स्टडी क्लास के अलावा सर मैं 6 to 8 hours तक पढ़ लेता था। क्लास के बाद में 6 to 8 hours, तो क्लास भी काफ़ी लंबी होती है। यस सर, 8 hours की क्लास, 8 hours की क्लास और 6 hours कितने हो गए फिर? 14 hours। 14 hours करेक्ट। फिर सोते कब थे? सोते 6 to 8 hours सोने को मिले। नींद के अंदर क्या, जैसे वो फिजिक्स के फॉर्मूले, मैथ्स की इक्वेशंस वगैरह आती थी क्या? कभी कभी आई जाते हैं। और कभी ऐसा होता था कि फॉर्म ये पूरा सब कुछ खत्म होने वाला है और मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया, ऐसा कुछ? पेपर के टाइम पे सर वो एक्सपीरियंस भी आता है। पेपर के टाइम में इस तरीके से थॉट्स आया करते थे, तो कैसे उनको थॉट्स को ओवरकम कैसे करते थे? सर बस कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास। कैसे कैसे कॉन्फिडेंस के लिए क्या करते थे? मतलब है ना 99.986, मतलब रियल फिगर नहीं लग रहा है, ज़्यादातर लोगों को नहीं लग रहा होगा, हमें भी नहीं लग रहा है। कैसे करते थे? सर मैं कॉन्फिडेंस के लिए हनुमान चालीसा क्या करते थे। हनुमान जी, यस हनुमान जी हैं इनके कॉन्फिडेंस के पीछे। और यहाँ पर CLC में तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज होता है। आपके श्रवण चौधरी जिनको बॉस कहते हो आप, तो वो रोज करते हैं हनुमान चालीसा। यहाँ पे आने से पहले भी करते थे या अभी यहाँ पे करना शुरू किया? पहले भी करते थे। पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो चलो ये बताओ कि आपके जो स्टूडेंट्स थे, बाकी जो क्लास फेलोज थे, अप टू 10th के बाद आए, 12th के बाद आए आप यहाँ पे? 10th के बाद। 10th के बाद यहाँ पर आए हो। 9th के अंदर आप खेतड़ी के अंदर थे, वहाँ के जो पुराने जो बाकी जो क्लासमेट्स हैं उनसे भी आपकी बात हुई है? सर अभी कॉन्टेक्ट तो कम ही है, लेकिन 11th तक तो था सर। अच्छा, सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हो? घर पे सर, यहाँ पे तो फोन घर पे करते हैं तो ये वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। ये बहुत ही एक अफसोसजनक बात है। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो क्लास फेलोज हैं, उनको आप क्या कहोगे कि मेरे इतने नंबर आ गए हैं, अब तो मैं हीरो बन गया हूँ, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसे नहीं कहोगे? तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये इतने सारे परसेंटाइल जैसे आ जाते हैं, तो क्या एक्स्ट्रा करते हैं आप जैसे बच्चे, जो बहुत सारे लोगों के 95 के ऊपर भी आए हमने सुने हैं, वो क्या एक्स्ट्रा करते हैं बाकियों के मुकाबले? सर बस रेगुलर स्टडी और सभी सब्जेक्ट्स पे एकदम बैलेंस पे फोकस, और क्लास में प्रॉपर डिसिप्लिन से सिंसियरिटी से पढ़ाई सर। अच्छा, जो जैसे ग्रुप बना के पढ़ते हैं बच्चे आपके साथ में जो पढ़ते हैं, उनमें से ज़्यादा के ज़्यादा आए हैं या फिर जो अलग अलग सेक्शंस के आते हैं ज़्यादा? सर हमारा तो सभी मतलब 8 से 10 बच्चे हमारे हॉस्टल के हैं जो मेरे फ्लोरमेट्स हैं, तो सब ग्रुप में। आपके फ्लोर के ऊपर से इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, मतलब वो सारे के सारे एक साथ में कंपटीशन भी रहा करता था? यस सर, 8 to 10 बच्चे भी बिल्डिंग हमारे हॉस्टल से हैं। तो यानी कि ये एक फायदे की चीज़ होती है कि सत्संगति कह देते हैं इसको, कि सत्संगति के अंदर सभी का फायदा होता है, सिर्फ एक आदमी का नहीं होता, एक ही बच्चे का नहीं होता है। तो ग्रुप अच्छा बना के रखना चाहिए मेरे ख्याल में। तो मस्ती वस्ती भी करते थे या पढ़ाई वढ़ाई करा करते? पढ़ाई के साथ हो ही जाती है सर मस्ती। और क्या डिस्कशंस हुआ करती थी आपस के अंदर एग्जाम टाइम्स के बिल्कुल नज़दीक के अंदर? एग्जाम टाइम्स के अंदर तो हम जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट है, कभी भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते थे किसी से, एक दूसरे को चैलेंज करते थे, ये बता ये वाला क्वेश्चन बता ये वाला क्वेश्चन बता। यस सर, करते थे चैलेंज। यानी कि ये देखिए चैलेंज एक दूसरे को क्वेश्चंस के लिए करना, एक स्पोर्ट स्पिरिट आ जाती है उससे भी। और यहाँ पे जो माहौल है वो आपको असिस्ट करा या आपने खुद ने अपने हिसाब से करी, क्लास को नहीं इग्नोर करा, कैसे करा आपने ये बताओ? माहौल के मामले में तो सर CLC बेस्ट है। माहौल के मामले में CLC बेस्ट है। CLC के किसी भी बच्चे से बात कर लो ये बात जरूर बोलता है, कारण क्या है इसका? सर यहाँ पे बॉस ही ऐसे एकदम सेल्फ मोटिवेटर हैं कि आपको दिन में 2 से 3 बार तो बॉस देखने को मिल ही जाएंगे जो आपको मोटिवेट कर दे। कहीं ना कहीं पे वो घूमते हुए मिल जाते हैं, कहीं पकड़ लेते हैं बच्चों को कि हाँ बेटा क्या कर रहा है। मोटिवेशन तो बॉस बेस्ट। मोटिवेशन करते, डांटते वाटते हैं भी है क्या? कभी कभी डांट पड़ी जाती है सर। क्या, किस मामले में डांट पड़ती है वैसे? पढ़ाई की अगर कहीं मस्ती वगैरह करते हुए मिल जाते हैं सर। तो मस्ती की बात हो गई, टारगेट बता दीजिए आगे का क्या टारगेट है? अभी तो JEE एडवांस में अच्छी रैंक के साथ मुझे कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करके BTech कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं IIM से MBA करना चाहता हूँ। IIM से MBA करना, इतना लंबा अभी से ही सेट कर रखा है सारे के सारे टारगेट। और ये अंतर होता है जो आगे रहते हैं उन बच्चों के अंदर, और जो बाकी भी टारगेट सेट कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है। डिटेल में इनके साथ में बाद में बात होगी, इनके घर परिवार के बारे में बाद में बात होगी, क्योंकि अभी तो JEE एंट्रेंस अभी मेंस बचे हुए हैं, तो मेंस के बाद के अंदर हम प्रॉपरली हम इनसे बात करेंगे क्या रहा रिजल्ट। क्योंकि अभी भी वैसे देखा जाए तो सीकर के अंदर जो हाईएस्ट रैंकर हैं
सीकर के हाईएस्ट रैंक करो या और भी कहीं का पता पड़ा है? अभी तक तो सीकर का ही पता है। अभी तक तो सीकर का पड़ा है क्योंकि अभी बिल्कुल जस्ट अभी रिजल्ट आया ही है। अभी तक तो अखबारों के अंदर भी आपने इश्तेहार वगैरह नहीं देखे होंगे अलग अलग कोचिंग के, मगर फिर भी 99.986 जी बहुत ज्यादा नंबर है। चलो अच्छी बात है, हमारे सीकर का नाम कर रहे हो, खेतड़ी का नाम कर रहे हो, झुंझुनू का नाम कर रहे हो, और इस तरीके से आप भी नाम करिए ताकि हमें आपका भी इंटरव्यू लेने का मौका मिले और दूसरों को भी दिखाने का मौका मिले कि देखिए हमारे शहर के बच्चे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो संस्थान है वो किस प्रकार से यहाँ पे भविष्य तैयार कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।